नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट को लेकर आज शाम की दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है, क्योंकि रिजल्ट का लगभग दोस्तों स्टूडेंट ने एग्जाम होने के बाद तभी से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपकी परीक्षा है दोस्तों दिसंबर 2020 के मध्य कराई गई थी, 9 से 19 दिसंबर के मध्य दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित कराई गई थी। तभी से लगातार दोस्तों स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट को लेकर आप सबके लिए खुशखबरी और बहुत ही बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही है दोस्तों। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार वेट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपको यूपी की जो पल पल की अपडेट है, जेल वार्डर और फायरमैन की रिजल्ट की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है पहले जनवरी माह में आ रहा था, ऐसा सबकी ओर से जो अपडेट आ रही थी बयान भी किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों इसमें फरवरी का दोस्तों बयान आ रहा था। तो फरवरी भी पूरी निकल गई दोस्तों, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आकर क्यों नहीं आया और कब आएगा रिजल्ट? क्या कल यानी कि 1 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा? जी हाँ दोस्तों, कल 1 मार्च है और आपको दोस्तों बता दूँ आपका रिजल्ट है 1 मार्च को आने के यहाँ पर 90% चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पर टेंटेटिव डेट भी बताई गई थी और जो मीडिया सूत्र के हवाले से जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार आपका रिजल्ट है वो मार्च में 1 मार्च से 5 मार्च के मध्य दोस्तों आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। यानी कि दोस्तों कल आपके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। रिजल्ट आपका ऑफिशियली साइट पर देखने को मिलेगा, जो आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है दोस्तों, यहीं से आप अपना रिजल्ट है वो निकाल पाओगे, यहीं पर आपका रिजल्ट है वो अपलोड किया जाएगा। अब मैं बात कर लूँ रिजल्ट आकर कब आएगा, तो दोस्तों रिजल्ट आपका कल शाम तक आ जाना चाहिए दोस्तों, अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों 18 जनवरी को जो यूपी पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष हैं आर के विश्वकर्मा, उनकी तरफ से बयान आया था 18 जनवरी को कि हम आपका रिजल्ट जल्दी तैयार कर देंगे और आपका हाफ फरवरी तक रिजल्ट दे देंगे। तो लेकिन अभी तक दोस्तों रिजल्ट है वो नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिजल्ट में जो काम था उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का, स्कैनिंग का, वो पूरा हो चुका है। अब रिजल्ट दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कल सोमवार यानी कि 1 मार्च को आपका रिजल्ट है वो ऑफिशियली साइट पर डाला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों नई भर्तियाँ भी आ गई हैं, उसी के साथ आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट में देरी होने का जो मेन कारण था वो था आप दोस्तों यूपी पुलिस जो आबकारी विभाग में दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी निकली थी उनकी यहाँ पर फिजिकल चल रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आबकारी विभाग के जो फिजिकल हैं वो हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आपका जो रिजल्ट है वो डाला जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पर, इसके बाद दोस्तों आपको तुरंत ही फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये 2016 की आसपास की भर्ती है दोस्तों, आज से 4 साल हो गए हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसकी जल्दी से जल्दी यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो है प्रक्रिया वो की जाएगी और जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर दोस्तों यह ज्वाइनिंग है वो देने की बात भी कही थी। क्योंकि दोस्तों भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लेट हो चुकी है और जल्द ही रिजल्ट करके आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और कल आपके लिए 1 मार्च को दोस्तों अपडेट है, अच्छी गुड न्यूज़ है वो आपके लिए निकल के आएगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तुरंत आपके पास अपडेट पहुंच जाएगी। नीचे यहाँ पर लाल बटन आ रहा होगा दोस्तों, उसको आप जरूर प्रेस करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों तब तक के लिए आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें, आपकी 2.4 किलोमीटर की दोस्तों यहाँ पर फीमेल की दौड़ होने वाली है और 4.8 किलोमीटर की दोस्तों यहाँ पर मेल कैंडिडेट की दौड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फिजिकल के लिए। अपनी तैयारी करते रहें, रिजल्ट के 15 दिन के अंदर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।